हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो वहाँ से वापस आने के बाद शुरू हो गई थी हमारी दिनचर्या, फिर से वही वाली प्रोटीन की डाइट, अंडा शंडा। तो हस्बैंड को चाहिए कि अब वो बॉडी बना रहे हैं, तो प्रोटीन लेना तो लाजमी है और बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं आजकल। तो ये ऑमलेट जो आप देख रहे हो, ये 5 अंडों का ऑमलेट है। मैं डर रही थी कि पलट पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लेती हूँ। पलट तो मैंने बड़े आराम से लिया। इतने दिन घर वालों के साथ रहने के बाद काम करना तो मैं भूल ही गई। तो आज मैं लंच में बना रही थी मटर पनीर, लेकिन मटर डालना तो मैं भूल ही गई और अंत तक मैं भूल ही गई। ये मटर पनीर की करी सिर्फ पनीर की ही करी रह गई। दोस्तों, बहुत देर से मैं सोच रही थी ये टेम्पटिंग क्यों नहीं लग रही है, टेम्पटिंग लगना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया, जब तक इसमें धनिया नहीं पड़ेगी तब तक ये ऐसे ही रूखी सूखी लगेगी। इसलिए मैंने ढेर सारी धनिया काटी और डाल। धनिया मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उसकी महक से मुझे भूख लग जाती है। और सच कहूँ तो धनिया डालने के बाद इसमें सच में रंगत आ गई। दोस्तों, मैं चाहती हूँ मेरे हाथ का खाना बिल्कुल जो ढाबे पे मिलता है वैसा लगे, या फिर लंगर में जो लोग खाते हैं वैसा लगे। दोस्तों, आपने कभी खीरा और कुरकुरे का कॉम्बिनेशन खाया है? मैं खा रही हूँ, वैजी हूँ। और शाम हो गई तो मैं बनाने लगी आलू मेथी। मेथी देख रहे हो कितनी हरी हरी है, बड़ी मुश्किल से सब्जी वाला लेके आया। तो इस आलू मेथी की रेसिपी में पहले मैं आलू को पकाती हूँ, बाद में मैं मेथी डालती हूँ। तो मेरे घर में कुछ भी खत्म हो जाए लेकिन दूध खत्म नहीं होता, लेकिन इस बार दूध भी खत्म हो गया इसलिए मैंने मंगाया। फिर मैं सब्जी को छौंकने लगी, हरी ही रहनी चाहिए, हस्बैंड की डिमांड रहती है। और आप सोच सकते हो कि हस्बैंड कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है बॉडी बनाने को लेके, इतना सारा प्रोटीन पाउडर लेके आए। दुनिया जहान का सारा प्रोटीन घर में आ चुका है, मुझे भी खाने को बोलते हैं, लेकिन कहीं मैं सब खा के मोटी ना हो जाऊं। तो मेरी हरी हरी सब्जी बन चुकी है, लेकिन फिर मुझे याद आया मैंने तो इसमें मिर्ची नहीं डाली, ना टमाटर डाला है। उसके बाद मैंने टमाटर और मिर्च भी डाली, क्योंकि दोस्तों मिर्च में जो स्वाद होता है दुनिया की किसी सब्जी में नहीं है। सच बताऊं तो पूरा दिन आज खा ही रही थी, झूठ क्यों बोलूं दोस्तों। स्ट्रेस की आड़ में मैं सिर्फ खा रही हूं, खाते खाते ही जी जाऊंगी। और बातें करते करते मुझे ध्यान आया कि मुझे बाहर भी जाना है बालकनी में झांकने। तो आपको जो आवाज आ रही है वो कहीं पे हवन कीर्तन हो रहा है, जागरण हो रहा होगा, क्योंकि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं दोस्तों। और इन दिनों में मैं पागल हो जाती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। फेस्टिवल का सीजन है, फेस्टिवल चल रहे हैं। पूरे साल में यही 9 दिन होते हैं जब मैं दिल से खुश होती हूँ और झूमती हूँ, नाचती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, खुश रहती हूँ, मतलब अच्छा लगता है। और आसमान देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज मैं नहीं निकली। दोस्तों, मेरे लैंडलॉर्ड ने पता नहीं कौन सी धूप बत्ती जलाई, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी। मैं उनसे पूछती हूँ तो वो मुझे बताते नहीं, लेकिन मैं पता लगा लूंगी क्योंकि धूप बत्ती की दीवानी हूँ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रही, क्योंकि अच्छी नहीं लग रही है। और ये छोटी सी प्यारी सी डायरी मुझे दी है मेरे जीजू ने, मुझे लिखने का शौक है इसलिए जीजू ने गिफ्ट कर दी। दोस्तों, मुझे भूख लग गई इसलिए मैं ढूंढने लगी कि क्या खाऊं, लेकिन फ्रिज में तो बस इंग्रेडिएंट ही दिख रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा चलो म्यूजली खा लेती हूं। म्यूजली खाने के बाद मैं देख लगी जो जो सामान मैं लेके आई थी वहां से। जब भी मुझे कोई नई चीज मिलती है तो एक्साइटेड हो जाती हूँ। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं, और तब तक के लिए लव यू।